और पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी है? पॉलिटिक्स में कोई जिस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स व्हाई एक्चुअली वो मैं आपको एक्चुअली दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द शो अभी हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा उसको छोड़ देते हैं, छोड़ दे। तो जो हमारे पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनमें कौन पसंद है आपको? इस टॉपिक को भी छोड़ दे आप, यहां तो अभी से बड़े पॉलिटिशियन बन गए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। हां यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट you may be like some leader, you may be hate some leader. But we hate the leaders who are the corrupt leaders. Hmm. So corrupt leaders are one को वो totally हम दें जाना ही पड़ेगा corrupt leaders के साथ। तो हमारे सारे leader corrupt हैं? सारे leader नहीं corrupt हैं। कोई जो होते हैं जो actually कोई leaders बड़े corrupt हैं और कोई लोग कोई leader अच्छे हैं। कोई जो corrupt leaders हैं उनको देखे भी वहाँ don't actually follow their footsteps. तो आप पॉलिटिशियन तो नहीं बनेंगे? पाकिस्तान की सब चीजें अच्छी हैं, ऑल रिसोर्सेज समथिंग इज फुलफिल, बस ये लीडर की बात है, पॉलिटिक्स की बात है। अब बस हमको करप्ट लीडर नहीं जो अच्छा चलेगा स्टेट को। तो पाकिस्तानी लीडर्स में कौन है ऐसा जो करप्ट नहीं है? कोई भी है, हमको चाहिए जो हमारी रिसोर्सेज को सेव करता है, जो एक राइट पाथ पे गाइड करता है हमको। ठीक है, वो बोली जो करप्शन को प्रिवेंट करता है वो लीडर चाहिए हमको। वी डोंट नीड सच अ गेस्ट। तो स्मॉल लीडर लाइक दिस प्लीज दिस ऑल लीडर्स। अच्छा इस दौर में तो बहुत सारे लीडर तो करप्ट नहीं है ना? जमात इस्लामी वाले सराजुल हक को जानते हैं? वो तो जानते हो मैं, लेकिन मैं एक्चुअली मैन लीडर्स का बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मोस्ट लोग एक्चुअली मोस्ट सिटीज जैसे लाहौर और कराची में बहुत करप्ट। आपको क्रिकेट पसंद है तो इमरान खान क्यों पसंद नहीं है? इस बात को छोड़िए अभी, मैं आपको और चीज बात करो यार। चलो अच्छा, आप खुद पॉलिटिकल लीडर तो नहीं बनेंगे बड़े? अच्छा लेट्स सी इन द फ्यूचर अभी यार, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर राइट नाउ। जिस तरीके से आपने सियासत से मुतालिक मेरे सवालों को डाज किया उससे तो लगता है कि आप अभी से माशाल्लाह हमारे पॉलिटिकल लीडर से बड़े पॉलिटिकल लीडर। डॉजिंग इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और ये आपका जो इस वक्त हमारे सारे पाकिस्तानी हैं और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहिए कि दे शुड नॉट बी करप्ट, व्हाई दे आर करप्ट, दे शुड स्प्रेड करप्शन इन द वर्ल्ड, नॉट फियर, नॉट सच बात है। हम उनको मैसेज देना चाहिए दैट दे शुड नॉट बी करप्ट, दे शुड बी अ गुड लीडर, दे शुड। और ये कुछ लोग कहते हैं आजकल के ये जो हम मीडिया वाले हैं नेगेटिव खबरें देते हैं, वो मजहब पे पैसे कमा रहे हैं, ये करते हैं, तो हाउ डू यू फाइंड आवर मीडिया? बहुत अच्छा है, देयर नेगेटिव, दैट्स व्हाई मैंने न्यूज़ ही बंद कर लिया घर में। दिस इज राइट कि वो नेगेटिव बातें करते हैं, बस नेगेटिव न्यूज़, नो पॉजिटिव, नो पॉजिटिव न्यूज़, ऑल द टाइम नेगेटिव न्यूज़। आई गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ देम, बंद कर लिया मैंने घर में। अच्छा खुद आप इसलिए न्यूज नहीं पढ़ते? अच्छा मैं देखता भी नहीं हूं। और बाकी ये जो रमजान में रिलीजियस प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी आपको पसंद नहीं है देखते नहीं? एक्चुअली एक चीज है कि रमजान प्रोग्राम से जो है वो एक्चुअली एक रमजान प्रोग्राम होनी चाहिए, वो एक प्योर रमजान प्रोग्राम, नॉट फॉर मनी, फॉर पीसिंग। गुड गुड, ये लोग ये जो लोग करते ये तो मनी के लिए करते हैं, पीसिंग के लिए नहीं करते। गुड गुड। और ये जो हमारे जो टॉक शोज है इसके बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन? आई डोंट नो अबाउट टॉक शोज। गुड, इसका मतलब ये कि आप सीरियस बंदा है और आप पढ़े लिखे और वो भी एक्चुअली क्या है और वो भी फजूल बातें ही हो जाए।